और जो भारत को कमजोर करती हैं। अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने एक और ऐसा नया भाषण दिया। देखिए, अब राहुल गांधी के रोज नए नए भाषण आ रहे हैं, और जब मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, आपको अभी उससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक नया भाषण दिया है जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर एक बार फिर से हमला किया है। असल में ब्रिटेन की संसद में निजी कार्यक्रमों के लिए पार्लियामेंट कमेटी रूम्स बने हुए हैं, जिनमें से एक रूम में आज राहुल गांधी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस दौरान हमारे देश में बहुत सारे लोगों द्वारा यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को ब्रिटेन की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया है, जबकि यह सच नहीं है। आपको सच यह है कि यह एक निजी कार्यक्रम था जो वहां के एक पार्लियामेंट कमेटी रूम में आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम के लिए यह रूम भारतीय मूल के एक ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा बुक कराया गया था। इसलिए जो उनके बहुत सारे समर्थक, उनके चाहने वाले जो भारत में ये बात फैला रहे हैं कि राहुल गांधी को ब्रिटेन की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया है, ये खबर बिल्कुल गलत है। वहाँ का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर उस कैंपस में कमेटी रूम्स होते हैं, कमेटी रूम्स प्राइवेट फंक्शंस के लिए भी उन्हें बुक किया जा सकता है, और ऐसे ही एक कमेटी रूम में राहुल गांधी के लिए एक प्राइवेट फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर उन्होंने ये भाषण दिया है। इसलिए ये गलत है जो उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें ब्रिटेन की संसद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह वहां के कमरे में राहुल गांधी का यह भाषण करवाया, लेकिन इसमें भी राहुल गांधी ने वही सारी बातें कही जो भारत को जोड़ती नहीं है, भारत को तोड़ती है। इस नए भाषण में उन्होंने कहा कि आज भारत में अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त हो चुकी है, और भारत में सरकार की आलोचना करने वाले नेताओं और लोगों को अब बोलने नहीं दिया जाता। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि भारत में एक सांसद का जीवन कैसा है, तो उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें बोलने की आजादी नहीं है, और वो भारत की संसद में ना तो नोटबंदी पर कुछ बोल सकते हैं, ना GST पर कुछ बोल सकते हैं, और ना ही चीन पर कुछ बोल सकते हैं, और जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भारत की संसद के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि आप सब जानते हैं ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, और राहुल गांधी ने अपनी इस बात को रखने के लिए ब्रिटेन में इतना बड़ा झूठ बोला और उस पूरे मामले को इतना बढ़ चढ़कर पेश किया। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी नोटबंदी पर भी बोले हैं, संसद में GST पर भी बोले हैं, चीन पर भी बोले हैं, यहां तक कि पेगासस और गौतम अडानी के मामले पर भी संसद में जबरदस्त बयानबाजी कर चुके हैं, और उनके ये वीडियो इंटरनेट पर आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। आज भी पूरी दुनिया में कोई भी अगर चाहे तो वो इंटरनेट पर सर्च कर सकता है कि राहुल गांधी ने भारत की संसद में कब कब GST पर बयान दिया, कब चीन पर बोले हैं, कब गौतम अडानी पर बोले हैं, कब पेगासस पर बोले हैं, कब रफाल पर बोले हैं, ये सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में वो जाकर ये कह रहे हैं कि मैं भारत की संसद में कुछ नहीं बोल सकता, किसी भी बड़े मुद्दे पर मुझे बोलने की इजाजत नहीं है, और मैं अगर बोलता हूं तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो वहां पर जाकर ये नहीं बता रहे कि अरेस्ट उनको जो करने की कोशिश की गई थी, यानी उन पर जो मुकदमा चल रहा है और